तो दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल कोई सर्च करता है तो सर्च लिस्ट में तो आता है, लेकिन अगर दोस्तों फर्स्ट नंबर पे या टॉप पे नहीं आता है तो कैसे आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को सर्च लिस्ट में टॉप पे मतलब कि फर्स्ट नंबर पे कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ेगा, क्या क्या अपने चैनल पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप मेरे चैनल को देसी माइंडटेक को जब सर्च करेंगे तो मेरा चैनल दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है, एकदम टॉप पे आता है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ इसका अप्लाई आप अच्छे से करते हैं तो आपका भी चैनल दोस्तों सर्च लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आने लगेगा, सर्च करने पे फर्स्ट नंबर पे शो होने लगेगा। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, और चैनल पे नए वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ये ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये ट्रिक्स आपका तभी वर्क करेगा जब आपका चैनल सर्च लिस्ट में कहीं पर भी आता हो, नीचे से पहले नंबर पर आए या 10वें नंबर पर 20वें नंबर पर कहीं से भी आए, लेकिन अगर आपका चैनल सर्च लिस्ट में आता है तो। अगर दोस्तों आपका चैनल नाम सर्च आपके चैनल का नाम सर्च करने पर सर्च लिस्ट में एकदम नहीं आता है तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अपने चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे ले आएँ। ये वीडियो दोस्तों यही वीडियो आप दिख रहा है आपको जो उसका लोग थंबनेल, तो मैं इस वीडियो को आई बटन पे दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके देख लीजिएगा, पहले ये वर्क कर लीजिएगा कि आपका चैनल सर्च में कहीं पर भी आने लगे, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, आज के इस वीडियो में आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। पहला काम ये करना है दोस्तों कि आप अपने चैनल पे जितना भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं सब वीडियो के टैग में आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है, सब वीडियो के टैग में आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। या दोस्तों अगर सब वीडियो के टैग में नहीं लिख पाते हैं तो अभी से आपने जितना वीडियो अपलोड किया है 8-10 वीडियो पीछे, उसमें 8-10 वीडियो में आप अपने चैनल का नाम टैग में जाके लिख दीजिए, पहला काम ये करना है। और दोस्तों दूसरा काम जो करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को दोस्तों आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, अपने फ़ोन से करना होगा आपको तो आप जिस ईमेल आईडी पर अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं उस ईमेल आईडी से मत कीजिएगा, दूसरा ईमेल आईडी आप अपने फ़ोन में लॉगिन कर लीजिएगा, या दोस्तों सबसे बेटर रहेगा कि आप अपने घर के किसी मेंबर्स के फ़ोन से ये वर्क करें जो दूसरा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बात ध्यान रखिएगा कि आपका चैनल जिस ईमेल आईडी से उससे वर्क नहीं करना है, आपके किसी फैमिली मेंबर से या कोई दूसरा ईमेल आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन करके उससे वर्क करना है। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आपके घर के किसी मेंबर के मोबाइल से यूट्यूब ओपन कर लेना है, यूट्यूब का एप्लीकेशन, या दोस्तों आप अपने मोबाइल में अगर ओपन कर रहे हैं तो उस ईमेल आईडी से मत कीजिएगा जिस ईमेल आईडी पे आपका चैनल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है यूट्यूब एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब ओपन करना है, उसके बाद सर्च बार में जाना है, वहाँ से जाके आपको अपने चैनल को सर्च करना है। आप अपने चैनल को जब सर्च करेंगे तो आपका चैनल दोस्तों टॉप पे तो नहीं आ रहा है, तो नीचे स्क्रॉल करके देखते जाना है आपका चैनल कहाँ आ रहा है। अगर यहाँ से आप नहीं देख सकते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे चैनल फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर चैनल पे फिल्टर जब करेंगे तो यहाँ चैनल आप डाल देंगे, चैनल पे क्लिक कर देंगे तो सब चैनल ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओपन हो गया। अब सब चैनल में से आपको अपना चैनल ढूंढना है कि कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अभी बताएं सर्च में आपका चैनल आना चाहिए, कितना भी नंबर पे आना चाहिए। अब आपका क्या करना है दोस्तों, जब आपका चैनल यहाँ पे शो होने लग रहा है उस चैनल पे आपको क्लिक करना है, उस चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उस पर वीडियो चला के छोड़ देना है। मतलब क्या करना है कि आपको ऐसे ही सर्च करके 10-20 बार सर्च करके वीडियो चलाना है, जिस मोबाइल से आप कर रहे हैं उस मोबाइल से 10-20 बार आपको अपने चैनल को सर्च करना है और उससे वीडियो चलाना है, अलग अलग वीडियो आप चला सकते हैं। आपकी वीडियो पे मान लीजिए आपके चैनल पे 10 वीडियो है तो 10 बार सर्च करें तो 10 वीडियो को एक एक बार देख लीजिए, फिर उसी 10 वीडियो को एक एक बार देख लीजिए, तो आपका 20 बार सर्च करके आप अपने चैनल को 20 बार 10 वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही आपको उस मोबाइल से करना है, ऐसे 2-3 मोबाइल से अगर करते हैं कि आप अपने चैनल को सर्च करते हैं वीडियो चला के छोड़ देते हैं, फुल वॉच हो जाता है वीडियो, उसके बाद फिर आप अपने चैनल को सर्च करते हैं, फिर दूसरा वीडियो चलाते हैं, फिर आप अपने चैनल को सर्च करते हैं, फिर तीसरा वीडियो चलाते हैं, इस तरह आपको सर्च कर करके चलाना है। ये नहीं कि दोस्तों एक बार चैनल को सर्च कर दिया और एक वीडियो चला के छोड़ दिया, दूसरा वीडियो वहीं चला दिया, तीसरा वहीं चला दिया, नहीं, आपको जितने बार वीडियो चलाना है उतने बार आपको चैनल को अपने सर्च करना है, ढूंढना है, फिर उतना वीडियो चलाना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका भी चैनल दोस्तों फर्स्ट नंबर पे सर्च में आने लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक।